एनएसवाई और युवा कांग्रेस की हमीरपुर डीसी कार्यालय के बाहर चल रही क्रमिक भूख हड़ताल के समर्थन में प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य और समाज सेवी एडवोकेट रोहित शर्मा भी उनके साथ उतर आए हैं। मंगलवार को रोहित शर्मा ने एनएसवाई की मांगों को जायज ठहराते हुए जल्द सरकार को मांगों को मानने के लिए आग्रह किया है। रोहित शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार की कोई पॉलिसी युवाओं के लिए नहीं बनी है और अभी तक छात्रों को वैक्सीनेशन भी नहीं लग पाई है। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगें पूरी तरह से जायज हैं और कोविड की वजह से छात्रों की पढ़ाई काफी बाधित पहले ही हो चुकी है, इसलिए सरकार को अब छात्रों की मांगों को मानने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। रोहित शर्मा ने कहा कि भारत एक युवा देश है और जिस सरकार ने युवाओं का साथ नहीं दिया है उस सरकार को बाद में भयंकर परिणाम भुगतने पड़े हैं। उन्होंने कहा कि एनएसवाई के छात्रों की 1 जुलाई से चल रही भूख हड़ताल को देखते हुए सरकार को जल्द छात्रों के हित में फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि एचपीयू के प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने की मांग के लिए कार्यकर्ता हड़ताल पर डटे हुए हैं, जिसे जल्द सरकार को छात्रों को राहत देने के लिए काम करना चाहिए। तो खुद एनएसवाई से निकला और एनएसवाई के इस 1 जुलाई से जो संघर्ष इन्होंने पूरे प्रदेश में छेड़ रखा है उसका समर्थन करते हुए आज इनके साथ यहाँ डीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठा हूँ। मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि भारत एक युवा देश है और इस युवा देश में इस युवा पीढ़ी की बहुत अहम भूमिका है। आज क्या कारण है कि जो कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, जो 16-17 साल के जो प्लस टू करके आते हैं, उनके लिए टीकाकरण की कोई व्यवस्था क्यों नहीं है? आज क्यों नहीं युवा लोगों को वैक्सीन प्राथमिकता पर दी जा रही है, जबकि एक युवा देश है? एनएसवाई की जो ये मांगे हैं प्रमोशन की हैं या ऑनलाइन क्लासेस की हैं, सॉरी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की हैं, ये बहुत जायज़ मांगे हैं, क्योंकि सारे देश जानता है कि किस तरह से इस सरकार ने इस लचर व्यवस्था को लचर करके इस कोरोना काल में काम किया है। कोई पॉलिसी आज के युवाओं के लिए नहीं है, बेरोजगारी सड़कों पर है, लेकिन जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो युवा हैं उनको कोई समर्थन करने के लिए सरकार की तरफ से कोई ठोस कोई भी पॉलिसी आज तक नहीं इन्होंने लॉन्च की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की बात है और प्रमोशन करने की बात है, बहुत जायज़ है, क्योंकि निश्चित तौर पर जो इनका स्थानीय लोगों की यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई जो है से इफ़ेक्ट हुई है और इस करके इनको राहत दी जानी चाहिए। जहाँ तक यहाँ पर बाकी एनएसवाई के बाकी लोगों की बात है, इन्होंने 1 जुलाई से लगातार जो है भूख हड़ताल जो है क्रमिक यहाँ पे शुरू की है, 7 जुलाई को ख़त्म होगी। मैं ये बताना चाहता हूँ शांतिपूर्ण तरीके से एनएसवाई संघर्ष कर रही है, मैं उसको जोर इनको इस बात की बधाई देता हूँ और सरकार को चेताना चाहता हूँ युवा पीढ़ी से जब भी सरकार कोई भी टकराई है सरकार की हमेशा हार हुई है और ये हार उनकी निश्चित है। इस तरह से अगर वो एडमेंट होकर के सरकार बैठी रही तो आने वाले समय में कड़ा रुख अख्तियार रखते हुए सड़कों पर उतरा जाएगा, घेराव भी किया जाएगा और सरकार के घुटने टिकवाए जाएंगे।